हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी के ग्रामर को देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया है, इसके 1 लाइन के, 2 लाइन के, 4-5 वाक्य के उत्तर ये सारे हमने देख लिए हैं। इसके सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर मैंने पढ़ा लिए हैं और ऑलमोस्ट उसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी बना दिए हैं। तो आपको अगर देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ग्रामर देखेंगे। काफी लोगों ने कहा है कि मैं इसके ग्रामर को सॉल्व करूं, तो मैं ये आज करने वाली हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की लिंक आपको आसानी से मिल सकेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे समानार्थी शब्द दीजिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तो 2 ही दिए है, दिनता एंड वाटिका, लेकिन हम लोग उसके अलावा भी जितने भी सारे समानार्थी यहाँ बनते हैं वो सारे के सारे देख लेंगे। तो एग्जाम में सिर्फ टेक्स्ट बुक का नहीं आएगा, डाइजेस्ट में से भी आएगा, चैप्टर के अंदर से कुछ शब्द वो निकाल सकते हैं। तो आपको ओरली थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम 1-2 नहीं ज्यादा समानार्थी शब्द देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है दीनता, तो यहाँ पे इसका समानार्थी शब्द होगा दरिद्रता। फिर है वाटिका, तो इसका अर्थ होता है उद्यान, बगीचा। नंबर 3 इच्छा, तो इसका अर्थ होता है अभिलाषा। नंबर 4 नेत्र, तो आंख, नयन। नंबर 5 वर्षा, तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, बारिश का ही सीजन चल रहा है, तो बारिश। भूल, तो होगा गलती। नंबर 7 स्वादिष्ट, तो होगा जायकेदार। नंबर 8 मेहमान, तो होगा अतिथि। नेक्स्ट है निर्लज, तो होगा बेशरम। फिर है क्षुधा, तो होगा भूख। उद्विग्न, तो होगा चिंतित। सेतु, तो होगा पुल। राम सेतु कहते हैं ना, वैसे उसको पुल को सेतु कहते हैं, दो तरफ के छोर को जोड़ने वाला जो पुल बनाया जाता है उसको सेतु कहते हैं। ग्रास, कौर। करुणा, दया। अधीर, तो होगा बेचैन। तृष्णा का समानार्थी होता है प्यास। लोभ, लोलुपता का समानार्थी होता है लोभ करना। एंड पश्चाताप, तो इसका होता है समानार्थी पछतावा। तो ये सारे हैं। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया गया है विरुद्धार्थी शब्द, तो यहाँ पे हम देखते हैं। पहला है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का होता है विरोधी शब्द अनुकूल। फिर है सज्जन, तो सज्जन का होगा दुर्जन। फिर है अनुराग, तो होगा विराग। सुलभ, तो होगा दुर्लभ। फिर है अपशुकन, तो शुकन होगा इसका। दीर्घाहार, तो इसका दीर्घाहार का होता है अल्पाहार। दीर्घाहार यानी लंबा भोजन हम लेते हैं, अल्पाहार यानी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट जैसा थोड़ा सा ही खाते हैं, उसको अल्पाहार कहते हैं। निर्लज्जता, तो इसका होगा लज्जा। फिर अपरिमित, तो इसका होगा परिमित। ओके, तो ये इतने सारे हैं। उसके अलावा है जैसे है मजेदार, तो इसका होगा बेमजा। फिर है न्याय, तो इसका होगा अन्याय। नींद, तो इसका होगा अनिंद्रा। एंड मेहमान, तो इसका होगा यजमान। फिर है नंबर 3 शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे नंबर 1 है जहां घटना बनी है वह जगह, तो इसको कहेंगे घटना स्थल। फिर नंबर 2 है जीभका स्वाद, तो इसको कहेंगे हम रसा स्वाद। नंबर 3 भूख से आतुर, तो इसको कहेंगे क्षुधा तूर। एंड फिर है धीरज की परीक्षा लेने वाली, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है धैर्य परीक्षक। फिर इसके अलावा भी है जिसे खूब लाड़ प्यार मिलता है, जिसे खूब लाड़ प्यार मिलता है, घर में किसको मिलता है आपके, ओके आई होप कि आपको मिलता हो, तो जिसे खूब लाड़ प्यार मिलता है, तो इसका आंसर आता है लाडला। फिर है दया के योग्य, तो वो होगा दयनीय। देवताओं का निवास स्थान, देवता कहाँ निवास करते हैं, तो वो होगा स्वर्ग। दोबारा आना, तो उसका कहेगा पुनरागमन। जिसमें दिनज नहीं है वह, तो इसका आंसर आता है अधीर। और नेक्स्ट है निराशा से भरा हुआ, तो वो होगा निराशामय। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। तब तक टेक केयर,
बाय।